जंगल में ही अगर पानी का स्रोत सूख जाएगा तो जानवर क्या करेंगे? दलमा वन आश्रयणी में जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अब गजराज पानी की तलाश में दलमा को छोड़ पहुंच रहे हैं डिमना। दलमा जंगल से हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में जमशेदपुर से नजदीक डिमना लेक में सड़क किनारे उतर आया है। और फिर क्या था, गजराजों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी वहां लग गई। पहले ही वन विभाग के अधिकारियों ने ये कहा था कि दलमा वन आश्रयणी में पानी का स्रोत सूख चुका है और यही कारण है हाथियों का झुंड पानी की तलाश में शहर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वन विभाग इस दिशा में जल्दी पहल नहीं करता है तो आने वाले दिनों में दलमा वन आश्रयणी से जीव जंतुओं का पलायन जारी रहेगा। इससे जंगल समेत इस आश्रयणी का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। नहाने के लिए जा रहे थे तो अचानक जब हम लोग डिमना लेक के पहाड़ के एरिया में पहुंचे तो देखे कि चार हाथी जंगल से पानी पीने के लिए नदी में उतरे हुए थे। उसके बाद फिर अचानक से देखे कि आदमी लोग का भीड़ लगा हुआ है, सब आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था हाथी हाथी बोल के, जिसमें चार हाथी थे, टोटल कुल चार हाथी थे, जिसमें तीन बड़े थे एक बच्चा था। कुछ वन विभाग वाले लोग भी आए हुए थे जिन्होंने पटाखे और टॉर्च की मदद से हाथियों को वापस से जंगल ऊपर जंगल की ओर भेज दिया जो पूरब दिशा की ओर चले गए। फटाखा भी फोड़ा गया जंगल विभाग के। इनकम टैक्स गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन और इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मिलकर ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया है और इसी के बैनर तले इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। राष्ट्रीय स्तर पर आहूत इस आंदोलन में खूब नारेबाजी की गई। इनकम टैक्स गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन और इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मिलकर एक ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया है। इसी के बैनर तले ये आंदोलन हुआ। वित्तीय वर्ष 2014 एवं 15 में एडहॉक के आधार पर प्रोन्नति हुई थी, इसे रेगुलर करने की मांग की गई और पूर्व में जो लोग बहाल हुए हैं मांग की गई कि उन्हें स्थायी किया जाए। साथ ही सातवें वेतन आयोग में कई तरह की विसंगति है जिसे दूर करने के लिए संगठन ने कई बार सुझाव दिया है, इस सुझाव पर अमल करने की बातें भी कही गई। इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन और इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन दिल्ली के द्वारा आज लंच टाइम डेमोन्स्ट्रेशन का आह्वान किया गया था। ये जो आह्वान है ये 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में किया गया था। उन मांगों में जो प्रमुख मांगे हैं वो हैं, रिक्रूटमेंट ईयर 2014-15 में हमारे कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को एडॉक बेसिस पर प्रमोशन दिया गया था। हम चाहते हैं कि उनका यथाशीघ्र रेगुलराइजेशन हो जाए और क्रमानुसार 15-16 और 16-17 में जो भी वैकेंसी हैं उस पर रेगुलर रूप से ही उन्हें बहाल किया जाए जिनका बहाली ड्यू है। तो दूसरा जो डिमांड था हमारा, 7th पे कमीशन की जब संस्कृति आई थी तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां हमारे यूनियन ने निकाला था और जब उसकी कमेटी बनी भारत सरकार के द्वारा तो कमेटी बीच बीच में हमारे यूनियन को बुलाया और हमने यथासंभव जो त्रुटियां थी उसका निष्पादन के लिए उपाय सुझाए और वो सारे उपाय वहां पे लंबित हैं कमेटी के पास। हम चाहते हैं कि जब 7th पे कमीशन लागू हो तो हमारे जितनी मांगे और जितनी सुझाव हैं उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए।